24 अभी आने वाला है तो उसका ऑन रोड प्राइस बताइए हमें। तो फाइनेंस कैसे करा सकते हैं और कम से कम डाउन पेमेंट बताइए हमें। तो एक साल का मिलेगा ये सिर्फ हम दे रहे हैं। पे म्यूजिक प्लेयर सिस्टम मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे सेट किया गया है, दो बैटरी इधर और दो बैटरी कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू अली ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्साइड कंपनी के एक्साइड नियो इलेक्ट्रिक रिक्शा की। पहले भी मैंने इस इलेक्ट्रिक रिक्शा पे एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक रिक्शा ये आया है काफी सारे बदलाव के साथ आया है, तो इसी के आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं इसके ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स और इसे आप कैसे फाइनेंस करा सकते हैं, कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ये तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारे सामने है एक्साइड नियो इलेक्ट्रिक रिक्शा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कलर की, तो यहाँ पे आपको तीन कलर देखने को मिल जाता है। पहला एक येलो और ग्रीन कलर आता है और दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है, और एक और तीसरा कलर आता है देख सकते हैं यहाँ पे मेहरून और सिल्वर का कॉम्बिनेशन, तीन कलर इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट लुक जो है आपको ऑटो की तरह यहाँ पे देखने को मिलता है, और सामने में आपको मिलता है कॉम्पैक्ट साइड का, यहाँ पे देख सकते हैं आपको विंड स्क्रीन मिलता है और यहाँ पे आपको सिंगल वाइपर मिल जाता है इसे क्लीन करने के लिए, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको एलईडी में टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाते हैं, और अगर नीचे तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको राउंड शेप में एलईडी में हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और कुछ इस तरह का यहाँ पे टेप दिया गया है, काफी अच्छा डिजाइन के साथ आता है। और सामने तरफ देखते हैं यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे आपको एक्साइड का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है नियो की ब्रांडिंग, इसे पता चलता है कि ये नियो मॉडल है। और देख सकते हैं नीचे तरफ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मडगार्ड आपको देखने को मिलता है, ये भी आपको इसमें फुल बॉडी जो है आपको मेटल का देखने को मिलता है, और नीचे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं और इसमें आपको 3/75/12 यानी 12 इंच के टायर मिलते हैं MRF कंपनी के साथ जो आता है, और सामने तरफ आपको यहाँ पे डुअल सस्पेंशन मिल जाता है जो कि काफी मजबूत इस इलेक्ट्रिक रिक्शे को बनाता है। फ्रंट में आपको कोई भी ड्रम ब्रेक या डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है, ये जो पीछे का दोनों चक्का है उसी से ये ब्रेक ऑपरेट करता है। तो फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे मिलने वाला है, और आइए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है, साइड प्रोफाइल भी आपको काफी क्लीन यहाँ पे देखने को मिलता है। साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है हैंड ब्रेक, और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे मिलता है आपको एक साइड नियो की ब्रांडिंग। पीछे की टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पीछे भी 3/75/12 यानी 12 इंच के टायर पीछे भी मिलता है, और पीछे भी आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको ड्रम ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है। ड्रम ब्रेक जो है आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है, हाइड्रोलिक वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलता है, और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। साइड में आपको एक साइड नियो की ब्रांडिंग के साथ कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है जो कि आपके पैसेंजर को काफी कंफर्ट देता है, इसे गिरने का डर वगैरह कुछ भी नहीं होता है और काफी अच्छा ग्रिप बना के रखता है। और पैसेंजर की अगर सीट की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पैसेंजर का सीट भी जो है वो भी काफी अच्छा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छा पैसेंजर सीट मिल जाता है, और इसमें लगभग आप 2 से 3 पैसेंजर पीछे और 2 से 3 पैसेंजर इस साइड बैठा सकते हैं आसानी से। और कुछ इस तरह का यहाँ पे देख सकते हैं आपको ग्राउंड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट जिसकी मदद से आसानी से यहाँ पे आप अपने इलेक्ट्रिक इस रिक्शे को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और अगर सीट के नीचे देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो बैटरी कुछ इस तरह का आपको एक्साइड कंपनी का मिलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक रिक्शा एक्साइड कंपनी का है तो इसमें आपको एक्साइड का बैटरी ही मिलता है, और इस साइड में इसका कंट्रोलर वगैरह मिल जाता है, MCB वगैरह कुछ स्विच इस तरह का कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें जो बैटरी है आपको 140 एम्पियर का देखने को मिल जाता है, दो बैटरी इधर और दो बैटरी कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये देखिए साइड की तरफ आपको जो पर्दा होता है बारिश से बचने के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप जब इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को खरीदिएगा तो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करके इसे लगा करके दिया जाएगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सुख सुविधा आपको इसे इलेक्ट्रिक रिक्शे में मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रूफ दिया गया है, इसमें काफी जो कंपनी जो बनाती है इलेक्ट्रिक रिक्शा उसमें आपको रूफ वगैरह इस तरह का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको रूफ भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो पैसेंजर का केबिन है यहाँ पे आपको छोटा सा लाइट भी मिल जाता है जो कि LED के साथ आता है, तो काफी अच्छी बात है। और अगर बात करें इसकी पीछे की बैक प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बैक प्रोफाइल भी कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। अब जो बैक प्रोफाइल है आपको मतलब नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है उसी तरह का आपको यहाँ पे बैक प्रोफाइल देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक्साइड नियो का ब्रांडिंग जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है, और इस साइड देख सकते हैं आपको टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, आपका ब्रेक लैंप और रिफ्लेक्टर वगैरह इधर मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है नंबर प्लेट लगाने का स्पेस और छोटा सा आपको नंबर प्लेट लाइट इधर मिल जाता है, और दोनों ही साइड देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का
एक्साइड नियो का ब्रांडिंग किया गया है। और इसमें जो आपको मोटर दिख रहा है ये आपको 1200 वाट का BLDC मोटर देखने को मिलता है, और दोनों ही साइड आपको दो दो सौकड़ और चार चार कमानी पट्टियां यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि इस इलेक्ट्रिक रिक्शे को काफी मजबूत और काफी कंफर्टेबल बनाता है। तो बैक प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, बैक में ही आपको एक स्टेपनी टायर मिल जाता है और ये भी आपको अलॉय व्हील्स के साथ ही आता है। और बैक में यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक्साइड का यहाँ पे ब्रांडिंग लिखा हुआ मिल जाएगा। सो हर जगह पे आपको एक्साइड का ब्रांडिंग इसमें मिलता है। और आइए आप बात करते हैं ड्राइवर साइड केबिन की। तो ड्राइवर साइड केबिन हमें कैसा मिलता है देख सकते हैं आप, ड्राइवर साइड केबिन जो है पहले जो एक्साइड का इलेक्ट्रिक रिक्शा आता था उसी तरह का सेम टू सेम आपको यहाँ पे डैशबोर्ड या आपको सीट वगैरह केबिन वगैरह कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और आइए आपको दिखला देते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे हैंडल मिलता है। देख सकते हैं हैंडल जो है आपको कुछ स्कूटी का फीलिंग देता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको हैंडल स्कूटी की तरह मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट और रिवर्स का गियर मिल जाता है मतलब स्विच, और यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, इधर इंडिकेटर, इधर आपको मिल जाता है हाई बीम लो बीम का, और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। और काफ़ी अच्छा बात है इसमें, इस इलेक्ट्रिक रिक्शे में आपको देख सकते हैं सेंटर लॉकिंग मिलता है और दो दो चाबियां भी मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर चाबी को आप ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे तरफ ही यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर सिस्टम मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सेट किया गया है डैशबोर्ड के अंदर ही, जो कि काफ़ी अच्छी है। और सामने तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है एक्साइड नियो की ब्रांडिंग, और यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आप अपने इंडिकेशन का यहाँ पे देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर लाइट का इंडिकेशन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिलता है स्पीडोमीटर का इंडिकेशन, यहाँ पे आपको बैटरी का जो कैपेसिटी है यहाँ से आप पता कर सकते हैं, और कितने किलोमीटर आप चले हैं इसके बारे में भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका यहाँ से आपका जो भी तमाम सारी जानकारियाँ हैं यहाँ से आपको मिल जाएगा। और इस साइड मिल जाता है आपको हाइजेड लाइट का स्विच, और इस साइड मिल जाता है एक USB पोर्ट जिससे मदद से आप आसानी से अपने मोबाइल वगैरह को या कोई भी चीज़ हो उसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल वाइपर, उसका यहाँ पे स्विच वगैरह मिल जाता है। तो देख सकते हैं डैशबोर्ड कुछ इस तरह का है। नीचे तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल पैडल ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अपने सामान वगैरह को रख सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैट मिल जाता है गाड़ी के साथ ही, आपको मैट लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मैट भी मिल जाएगा। पीछे का भी मैट आपको इसमें इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लुक वगैरह इस इलेक्ट्रिक रिक्शा का मिल जाता है। और आइए आप बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा इसका ऑन रोड प्राइस कितना है, और इसे आप फाइनेंस वगैरह कैसे करा सकते हैं इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरोही एक्साइड हाजीपुर बिहार से अनूप सर। सर स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका। धन्यवाद। ओके सर, सर जो ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है एक्साइड नियो, सर अभी इसकी 2023 में ऑन रोड प्राइस कितने होने वाली है, और 24 अभी आने वाला है तो उसका ऑन रोड प्राइस बताइए। देखिए अभी जो करंटली चल रहा है आपको अगर कैश अगर आप लेते हैं तो ये आपको हम विथ इंश्योरेंस RTO लेकर के आपको हम 2 लाख पे हम आपको ये गाड़ी छोड़ देंगे। 2 लाख जी। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा एक्साइड का 2 लाख में यहाँ पे हाजीपुर बिहार में आपको ऑन रोड गाड़ी छोड़ देंगे, टोटल मतलब ओके करा के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सर अगर चाहें इसे फाइनेंस कराना तो फाइनेंस कैसे करा सकते हैं, और कम से कम डाउन पेमेंट बताइए हम। जी फाइनेंस में हमारे पास बहुत ऑप्शन है, कस्टमर अगर हमारे पास आते हैं उनको निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, हर तरीके से फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है। मिनिमम उनको कम से कम 60,000 तक डाउन पेमेंट आएगा, 1,40,000 तक उनका लोन करवाएंगे, 60,000-55,000 तक उनका डाउन पेमेंट भी अगर करते हैं तो हम गाड़ी उनको छोड़ देंगे। ओके, तो देख सकते काफी अच्छा बात है, यहाँ पे आपको 1,40,000 तक का लोन हो जाएगा और 60,000 रुपया आपका जो डाउन पेमेंट है यहाँ पे करना होगा, और इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को आप आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। और आज के डेट में कम से कम कोई भी इलेक्ट्रिक रिक्शा लेने जाइएगा तो आपको 50-60 तक डाउन पेमेंट करना ही होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है काफी दमदार और काफी सॉलिड इलेक्ट्रिक रिक्शा है, और एक्साइड का नाम है और ब्रांड है उसका, आपको कोई सोचने का नहीं है, आसानी से यहाँ पे आइए। और अगर इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं हाजीपुर पटना छपरा बिहार से, कहीं से तो यहाँ से कहीं से भी आइए, पूरे ऑल ओवर बिहार में कीजिएगा। उनका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट बात कर लीजिएगा। ओके सर, और सर बताइए हमें माइलेज क्या निकल गया है इसका, आपको 120 किलोमीटर कम से कम ये गाड़ी आपको चलेगा, ठीक है माइलेज जी। ओके, मोटर कंट्रोलर इसमें मोटर कंट्रोलर चेचिस चार्जर ये इसका आपको टोटल वारंटी 1 साल का रहता है। बैटरी आपको 140 एम्पियर रहेगा, 15 मंथ का वारंटी देंगे। ओके, तो देख सकते काफी अच्छी बात है, बैटरी जो है आपको 1.25 साल का गारंटी मिल जाता है बैटरी पे 15 महीने का, और जो इसका चेचिस वगैरह है जो मोटर कंट्रोलर वगैरह है तो इसमें आपको 1 साल का मिलता है। और भी दूसरा कंपनी में देखिएगा तो आपको 6 महीने ज्यादा का नहीं मिलेगा, मेट्रो या कोई भी कंपनी लीजिए आप, नाम नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं देता, 6 महीने से कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 1 साल का मिलेगा, ये सिर्फ हम दे रहे हैं। और आप गाड़ी देखिए कोई भी कंपनी में आपको दिखेगा इतना गाड़ी का हाइट नहीं मिलेगा, इस वजह से अगर जैसे आप बरसात वगैरह में भी अगर हमारा गाड़ी चलाते हैं हाँ तो आप आराम से पानी वगैरह में भी जाते हैं थोड़ा मोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कंपनी में आपको मोटर में जाता है जल जाता है,
आपको बार बार प्रॉब्लम आता है, बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें आप देखिएगा कि हर कंपनी आपको रिम देता है, वो जो रहता है पूरा पत्थर टाइप का टीना का, बट इसमें हम रिम नहीं, कंपनी आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी की वजह से अलॉय व्हील्स दे रही है, जिसका एक सिर्फ रिम का कीमत 3,000 पड़ता है, जो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स, मतलब बहुत सारी चीज इसमें ऑफर किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इसमें मिल जाता है, देख सकते हैं आपको, तो मैंने दिखला दिया है। तो इसमें काफी सारे चीज मिल रहे हैं, और सर अभी इसमें कुछ ऑफर वगैरह मिल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हम क्या है ना कि कोई कंपनी आपको ये रिक्शा वगैरह में मेडिकल किट वगैरह आपको नहीं देता है। ओके, जब आप गाड़ी लेने आएंगे हम आपको प्रॉपर मेडिकल किट देंगे, अगर खुदा न खास्ता कुछ आपको अगर दुर्घटना होता है तो उसमें आपके पास रहेगा। हम आपको एक पानी का बोतल देते हैं जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है, बढ़िया सा, ठीक है। दूसरा हम आपको इसके साथ एक टी शर्ट देते हैं जो अच्छी क्वालिटी का टी शर्ट होता है। यहाँ पे आपको मतलब काफी सारी चीज मिल जा रही है, पानी का बोतल वगैरह मिल जाएगा, टी शर्ट वगैरह, मतलब ऑफर में गाड़ी में नहीं आता, लेकिन ये भैया एक्स्ट्रा हमारे तरफ से आपको अपने तरफ से देंगे। और अगर आप लेने आते हैं गाड़ी तो हम आपको अपने तरफ से 1 किलो मिठाई भी फ्री देते हैं आपकी फैमिली के लिए। ओके, तो देख सकते हैं आप भी खुश, आपके फैमिली भी खुश, बिल्कुल। ओके, तो काफी अच्छी बात है। तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारियां आपको इस इलेक्ट्रिक रिक्शा का हमारे वीडियो के थ्रू आपको मिल चुका होगा। तो इसी साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।